आज की रेसिपी में बनाते हैं टेस्टी पनीर की सब्जी बिना टमाटर के। 150 ग्राम पनीर को मैंने इस तरह से काट लिया है, आप चाहे तो छोटे पीस में भी काट सकते हैं। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। पनीर को मैरिनेट करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर, इसमें 2 चुटकी नमक डाल देते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बेसन है 1 चम्मच भुना हुआ बेसन, ताकि इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, 2 छोटा चम्मच दही को अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, ताकि पनीर अच्छे से मिल जाए और मसालेदार लगे। पनीर को हल्के हाथ में मिला लेंगे, आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं, क्योंकि पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है, टूट सकता है, तो हल्के हाथों से मिलाएं। और इस तरह से मिला के छोड़ देंगे। एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। दालचीनी टुकड़ा, लहसुन और अदरक इसे भी डाल देते हैं। 2 प्याज को इस तरह से लंबे स्लाइस में काटे हैं। प्याज को हल्के ब्राउन होने तक भून लेते हैं। और एक हरी मिर्ची और काजू के टुकड़े, कुछ काजू के टुकड़े लिए हैं। प्याज को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। पनीर का मसाला तैयार करेंगे। प्याज को हल्का सा नरम करना है इस तरह से। अब गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद पेस्ट बना लेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालते हैं, इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे जो मैरिनेट के लिए रखा था। पनीर को हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जो ऊपर से जो कोटिंग किया है मसाला, वो हल्का सा सिक जाए। लो फ्लेम में अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। अब प्याज भी ठंडा हो चुका है, अब पीस लेते हैं। ये दही है 3 चम्मच दही, ये भुना हुआ बेसन है 2 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर, देगी लाल मिर्ची पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा मैगी मसाला, दही में मिक्स कर लेते हैं। नमक हम बाद में डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको साइड में रख देते हैं, अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये पेस्ट भी तैयार हो चुका है, अब इसको भून लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, इसे थोड़ा सा जीरा डालते हैं, 2 सूखी लाल मिर्ची, पेस्ट को अब डाल के अच्छे से भून लेंगे। हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। ये दही का पेस्ट डाल देते हैं, अब चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। अब गैस को स्लो कर दिया है, ताकि दही फटे ना, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिल गया है, मसाला भून चुका है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। और इसमें डालेंगे पानी 1 गिलास,
इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे। अब मसाले को अच्छे से बॉईल होने देते हैं, 2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल किया है। ये कसूरी मेथी है, ये चीनी है, इससे टेस्ट दुगना बढ़ जाएगा, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। ये क्रीम है, जो घर का क्रीम होता है वही है, इसे भी डाल देते हैं। और अच्छे से मिला लेते हैं। फिर से मैंने ढक दिया था, ये अच्छे से मसाला भी रेडी हो चुका है। अब फ्राई किया हुआ पनीर को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। बस हमारी पनीर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पनीर की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब सर्व कर लेते हैं। अब चपाती या फिर राइस के साथ भी कर सकते हैं।